हाय दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ ना, ये कल्पतरु डेवलपर बना रहे हैं। आप ये देखें कि बांद्रा का मोस्ट लग्जरियस टावर है ये, जहाँ पे बांद्रा के सबसे बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं, जिसमें कि 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, 4 से 5 टाइप के फ्लैट बना रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये बांद्रा के ऐसे लोकेशन पे बना रहे हैं जहाँ से आपको BKC वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 2 मिनट में मेट्रो स्टेशन देते हैं, साथ ही साथ यहाँ से सी लिंक, बांद्रा बैंड स्टैंड, ये सब भी आप मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। HNIs के टाइप का, यानी कि यहाँ से जो CFO है, कंट्री हेड है, हेड हैं, स्टेट हेड हैं, जो यहाँ पे BKC के हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। एक तो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, दूसरा अगर आप रेंट पे लेना चाहें तो रेंट पे भी अवेलेबल है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स के फ्लैट हैं, जिन्होंने फ्लैट परचेस किया है, उनके जो रेंट पे फ्लैट चाहिए, बड़े फ्लैट्स के शौकीन होते हैं जो लोग ज्यादा कमाते हैं, तो उनके लिए भी फ्लैट यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ परचेस करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, दोनों के लिए ये बेस्ट है कल्पतरु मैग्नेस। और यहाँ पे नीता अंबानी, मुकेश अंबानी का कल्चरल सेंटर जियो मॉल बिल्कुल यहाँ से 1 से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 3 से 4% रेंटल रिटर्न है यहाँ पे, यानी कि आप एक लमसम समझे कि 4 करोड़, यानी 4 CR का अगर आपने फ्लैट लिया है 4 करोड़ का, करीबन आप 1.5 लाख के आसपास का रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखें 10 से 12 मिनट 15 मिनट में आप बांद्रा बैंड स्टैंड, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, ईशा अंबानी के घर वगैरह भी है, तो ये सब बहुत ही ऐसे प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है। आए दिनों आपको रिटर्न ऑफ रेंट का भी बढ़िया रिस्पांस मिलेगा और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी, दोनों में आपको यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा। आइए मैं आपको इन डिटेल बताने से पहले कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK बिल्डिंग का एलिवेशन कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, लाइव देखते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ 16 अक्टूबर 2024 का रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। आप कब ये वीडियो देखेंगे, उस टाइम क्या हो रहा होगा, किस स्टेज पे होगा, क्या फ्लैट अवेलेबल होगा, उस टाइम बात करेंगे। अभी ये अक्टूबर के मंथ का मैं आपको रिपोर्ट इस वीडियो में लाइव दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। अभी जो मैंने कुछ झलकियाँ दिखाया ना कल्पतरु मैग्नेस बांद्रा का, इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अब प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आप परचेस करते हैं इसके साथ, अगर आपको होम लोन भी लेना हो तो भी ऊपर दिए नंबर पर फ़ोन करें, हमारे होम लोन एक्सपर्ट टीम जो है ये आपका लोन रिलेटेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी। दूसरा, 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं हम लोग कस्टमर के लिए डेवलपर की ओर से। साथ ही साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे चैनल के थ्रू आते हैं, उनको हम लोग एक डिस्काउंट प्राइस में फ्लैट दिलाते हैं। और हम लोग कैसे दिलाते हैं डिस्काउंट प्राइस में, मार्केट रेट से कम में, उसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो। फ्लैट की साइजिंग प्राइसिंग पे आऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा। अभी आइए फ्लैट देखते हैं डिटेल में कि क्या वहाँ पे कितना क्या बना हुआ है, 4 BHK, 3 BHK किस टाइप का है, कुछ फोटोग्राफ, वीडियोस, फोटोज के जरिए। अभी मैं आपको 4.5 BHK का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी फ्लैट जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। वैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 BHK का फ्लैट प्लान है, ये 3 BHK का है, 3.5 का है, 4 का है, 4.5 का है, 2.5 का है, यानी कि ये 2 BHK, 2.5 BHK, 3, 3.5, 4 और 4.5। ऐसे 5 कॉन्फ़िगरेशन में फ्लैट्स हैं। 5ों का मैं PDF आपको दिखा दिया हूँ डिस्प्ले पे, आप स्क्रीनशॉट लेके घर बैठे सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आप खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। अभी आइए 4.5 BHK मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है 4.5 BHK का, और स्टार्ट में आपको मिल रहा है फोयर एरिया। मैं रिटर्न होते हुए मैं पूरा ये स्पेस दिखा दूंगा। अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप कुछ अच्छा सीनरी लगा सकते हैं, इस तरफ आप सूर्य वगैरह बना सकते हैं, यहाँ कोई गणपति का मंदिर या आप जिस भी रिलीजन से हैं वहाँ का बढ़िया सीनरी लगा सकते हैं। और उसके बाद जब आप फ्लैट में एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको पहला मास्टर बेडरूम मिल रहा है, जो नॉर्मल मास्टर बेडरूम है, सबसे बड़ा जो बेडरूम है हेड ऑफ द फैमिली के लिए, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, जो बहुत ही लग्जरी बनाया है इन्होंने। अभी पहला बेडरूम आपको मास्टर बेडरूम है,
इवन सारे ही इसमें मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, सर्वेंट बेडरूम जो है वो भी मास्टर बेडरूम है। अभी देखें ये इसकी लेंथ है और मैं आपको विंडो खोल के थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली 13 फुट की लेंथ है इसकी, आप देख लें। किंग साइज बेड, टीवी यूनिट्स सब डाला हुआ है। मैं आपको विंडो के साइड से भी एक बार कवर करके दिखाता हूँ। 10 फुट की हाइट है घर का और ये बीच में सारी एमिनिटीज़ बन रहा है और ये आप देख सकते हैं सी शेप में, जबकि ये राइट हैंड साइड और जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ अभी तो मैं लोअर फ्लोर पे हूँ, क्योंकि जो बिल्डिंग के अंदर जो सैम्पल फ्लैट, एक्चुअल फ्लैट है ये सैम्पल फ्लैट नहीं है, बिल्डिंग के अंदर का ही है। तो स्पेस जो आपको मिलेगा, एज इट इज़ पैटर्न जो आपको मिलेगा फ्लैट का, एज इट इज़ मिलेगा। फर्नीचर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, फर्नीचर तो बिल्डर ने एक आइडिया दिया है कि इस टाइप का मैंने बनाया है, तो इतना स्पेस आपको यूज़ करने को मिल रहा है। फ्लैट में आपको बेयर सेल फ्लैट भी मिलेगा और यहाँ पे जो सिविल वर्क किया हुआ है वैसा भी मिलेगा। अगर आप बेयर सेल लेना चाहें डेवलपर से मिल सकते हैं, प्राइजिंग के लिए आपका उनका अंडरस्टैंडिंग एक बार बैठ के बात कर सकते हैं। ये करीबन 4 से 5 फुट का स्पेस आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, वार्डरोब और बेड डालने के बाद भी इस तरफ मिल रहा है आपको बिगेस्ट साइज में वॉशरूम, राइट हैंड साइड पे वॉश बेसिन और कमोड, इस तरफ आपको शावर एरिया। अभी चलते हैं बाहर, लिविंग डाइनिंग देखते हैं इसका। अब यहाँ से आप देखें तो एल साइज में आपको लिविंग डाइनिंग दिया हुआ है। इस तरफ डाइनिंग टेबल करीबन करीबन 12 से 15 यानी कि 15 टेबल का आप डाइनिंग बना सकते हैं। यहाँ तो फिलहाल तो डेवलपर ने छोटा डाला है, आप देखें इधर भी पूरा करीबन 5 से 6 फुट का स्पेस फ्री है और उधर भी फ्री है। तो आप अगर बड़ी फैमिली हैं आपकी, 17-18 चेयर का आप डाइनिंग टेबल बना सकते हैं। ये तो छोटा डाइनिंग टेबल रखा है सैम्पल फ्लैट के हिसाब से। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ लिविंग एरिया। इस तरह का लिविंग सिटिंग एरिया है, यहाँ पे टीवी यूनिट आ जाता है और यहाँ पे अभी इन्होंने सोफ़ा इस तरह से रखा है। आप चाहें तो सी शेप में भी रख सकते हैं, एल शेप में, स्ट्रेट, जैसा आपको ठीक लगे। हर एक फ्लैट में आपको साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, हाई क्वालिटी स्लाइडिंग विंडोज़ आपको मिलेगा और ये बालकनी 4.5 बाय 13 यानी कि 4.5 फुट बाय 13 फुट का आपको बालकनी हर एक लिविंग डाइनिंग में मिल रहा है। इधर सेम कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको जो बेडरूम से दिखाया वो चल रहा है। विंडो के साइड से एक बार मैं शो कर रहा हूँ आपको लिविंग का और डाइनिंग का। अब मैं आपको आगे के जो 4 बेडरूम हैं, मैंने एक बेडरूम तो मास्टर बेडरूम स्टार्टिंग में दिखाया, एक बेडरूम दिखाया है, अब मैं 4 बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ। राइट हैंड साइड से मैं लेके चल रहा हूँ कैसे क्या है। सबसे बड़ा बेडरूम मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, फिलहाल आइए किचन देखते हैं। किचन आप देखें, इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, बाहर आपको ड्राई एरिया मिल रहा है और 9 बाय 13 का किचन है। ये सब फर्नीचर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, रॉ फ्लैट मिलेगा, प्लेटफॉर्म आपको बना के मिलेगा। स्टार्ट में डबल डोर फ्रिज का स्पेस आपको मिल रहा है, इधर माइक्रोवेव है और यहाँ पे डिश वॉशर रख सकते हैं आप, बर्तन धोने का मशीन, कपड़ा धोने का मशीन भी रख सकते हैं। इधर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाया हुआ है। ये कुछ फर्नीचर डेवलपर ने बनाया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। ये विंडो के साइड से एक बार किचन कैसे दिया हुआ है स्पेस। अब सर्वेंट बेडरूम इधर दिया हुआ है, जो स्टाफ होते हैं, मेड होती हैं या कुक या ड्राइवर, उसके लिए एक अलग से रूम दिया हुआ है, वो भी अटैच्ड वॉशरूम है। फिलहाल मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखा रहा हूँ। दूसरा जो बेडरूम है ये, इसको जूनियर बेडरूम बोल सकते हैं, ये भी ये नॉन अटैच्ड वॉशरूम है, बच्चों के हिसाब से, किड्स के हिसाब से या गेस्ट के हिसाब से। ये लेंथ इसकी सेम है, ये आप देख सकते हैं, बेड वार्डरोब सब बना हुआ है। आप बड़ा बेड भी बना सकते हैं, इन्होंने बच्चों के हिसाब से छोटा बेड बनाया है, बट बेडरूम का स्पेस इसका ज़बरदस्त है। एक बार विंडो के साइड से वार्डरोब बेड दोनों बना हुआ, इसके बावजूद भी करीबन 10 फुट का जगह बीच में है, बेड इन्होंने छोटा बनाया है। आप बड़ा बेड बनाएंगे
तो भी आपको कम से कम 4 से 5 फुट का स्पेस यूज करने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद इसके वॉशरूम के जो साइज हैं, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होता है अलग अलग डेवलपर बनाते हैं, आप कंपेयर करें तो उनसे काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, करीबन 6-7 फुट का तो इसका विड्थ रहता है वॉशरूम का, और बेसिन, कमोड, लास्ट में शावर एरिया, बाथ एरिया, बहुत ही लग्जरी तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, और सारे कस्टमर लग्जरी कस्टमर को ही यहाँ के लिए इन्होंने टारगेट किया हुआ है। अभी मैंने आपको किचन बेडरूम दिखाया, उसके बाद कॉमन वॉशरूम दिखाया, गेस्ट वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम दिखाया, इसके बाद सबसे बड़ा बेडरूम जो है ये है। पहले मैं इसके बाद जो जूनियर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम यानी कि अटैच्ड वॉशरूम, वो दिखाता हूँ, इसके बाद मैं सबसे लग्जरी बेडरूम में लेके जाऊँगा। ये जब आप एंट्री करेंगे तो एक एक्स्ट्रा आपको ड्रेसिंग टेबल स्टार्ट में स्पेस दिया हुआ है, यहाँ आप कुछ और भी इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने मिरर लगाया है, नीचे कुछ स्टोरेज का प्रोविज़न इन्होंने किया है। ये इसका बड़ा वॉशरूम है, आप देख लें, स्टार्ट में बेसिन, कमोड और आगे लास्ट में शावर एरिया दिया हुआ है। और ये मास्टर बेडरूम की साइज आप देखें, ये प्रॉपर ईस्ट फेसिंग वाला बेडरूम है, ये भी करीबन 13x12 का साइज है इसका। और एक बार मैं विंडो के साइड से दिखा रहा हूँ, अभी देखें इसमें वेस्ट के साइड या ईस्ट के साइड ना एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, इधर एक विंडो है छोटा और इधर एक बड़ा विंडो है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको दो साइड विंडो के बाद ना प्रॉपर बेडरूम में वेंटिलेशन मिल जाता है, एक साइड से हवा उजास का आना और एक साइड से निकल जाना, तो इसमें बेडरूम की वाइब्स बहुत अच्छी बनी रहती है, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ये फंडा जो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कल्पतरु, बड़े बड़े ब्रांड में मैंने देखा है, उन चीज़ों को बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है इस बेडरूम में। एक बार विंडो के साइड से भी मैं इसका व्यू देख लें कैसा बनाया हुआ है। अभी जो मैंने दिखाया है तीनों बेडरूम में, दो मास्टर बेडरूम और एक मैंने किड्स बेडरूम, एक कॉमन बेडरूम दिखाया, किचन दिखाया, हॉल दिखाया। अभी जो सबसे बड़ा बेडरूम है, सबसे बड़ा बेडरूम यानी कि जो घर के मेन हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा बेडरूम है। अभी ये जो बेडरूम है ना, ये 18 फुट इसकी लेंथ है और 12 फुट इसकी विड्थ है, यानी कि 12x18 का ये बेडरूम है। यहाँ पे तो पूरी बात ही अलग है, इसमें वार्डरोब का स्पेस अलग से, इसका वॉक इन वार्डरोब दिया हुआ है पूरे बेडरूम में। अगर आप एक अलग से टेबल डालना चाहें, रात को कुछ काम करना हो, यानी कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अगर से सोफ़ा रखना हो, टेबल रखना हो, तो भी आप रख सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है। किंग साइज बेड डालने के बाद भी करीबन 12-15 फुट का स्पेस आपको अलग से। एक बार विंडो के साइड से आप देख लें, ये 18x12 का आपको बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है। और इसके बाद इसकी जो वॉशरूम है, अभी मैं आपको पहले तो यहाँ जो वॉशरूम की एंट्री है, सबसे पहले इन्होंने वॉक इन वार्डरोब दिया है जो 8x6 है, 6x8 यानी कि 6 फुट इसकी विड्थ है, 8 फुट की लेंथ है। यहाँ पे आपको वॉक इन वार्डरोब आ जाता है, यहीं पे सारे कपड़े वगैरह रेडी होके आप एक ही बार बेडरूम में निकलते हैं, बेडरूम पूरा फ्री आपका हो जाता है। 6x9 का इसका वॉशरूम है जिसमें स्टार्ट में बेसिन, कमोड, उसके बाद शावर एरिया दिया हुआ है। जनरली वॉशरूम जो आपको मिलता है ना वो 4 फुट का, 4.5 फुट का विड्थ या आपको 6 फुट का दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइज को लेके बहुत ही लग्जरियस है। और अब ये जो मैंने सबसे लग्जरी बेडरूम दिखाया है, ये हेड ऑफ द फैमिली का, अब एक बार अंदर के साइड से मैं पूरे फ्लैट का क्या स्ट्रक्चर है। बीच में भी एक इन्होंने पैसेज में एक एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक कबर्ड दिया हुआ है जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं, करीबन 2.5 से 3 फुट डेप्थ है इसकी। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर्वेंट बेडरूम। सर्वेंट बेडरूम यानी ड्राइवर, मेड या कुक, आप कोई भी 1 से 2 जन का अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरफ बेड है, यहाँ पे आपको इनके लिए वार्डरोब भी है,
और आगे इसके वॉशरूम भी हैं सर्वेंट के लिए, सेपरेट वॉशरूम किया हुआ है, यानी कि जहाँ पे घर की फैमिली वॉशरूम जो यूज़ करती है वो नॉर्मल सर्वेंट के लिए अलाउ नहीं करना है। उसके हिसाब से डेवलपर ने आपको अलग से सर्वेंट के लिए वॉशरूम बना के दिया है। और फिर से हम लोग हॉल में आ गए हैं, और यहाँ पे जब आप मैं स्टार्टिंग में मैंने एंट्री किया था तो आपको बताया था कि फॉयर एरिया का जो स्पेस है वो ये बेडरूम के बाद ये पूरा एरिया फॉयर एरिया आता है। सूर्य वगैरह बना सकते हैं, एक्स्ट्रा सीनरी लगा सकते हैं, और भी चाहे तो बहुत सारी वाटरफॉल लगा सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, इतना बड़ा ये स्पेस दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं पैसेज। वैसे तो अभी ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ी क्लीनिंग नहीं है, बट स्पेस आपको एक समझ आ जाएगा। करीबन 10 से 12 फुट की इसकी विड्थ है पैसेज का, और 2 से 3 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसमें। इस तरफ इसका स्टेयरकेस है, 2 स्टेयरकेस रहेगा। एयरपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से होने के कारण ये हाई राइज टावर तो इस एरिया में नहीं बनता है, फिर भी ये जो टावर है 26 स्टोरी एंड 30 स्टोरी, 3 26 माले का और 30 माले का बना रहे हैं। ये इसका सेकंड स्टेयरकेस है, ये इसका बेयर सेल यूनिट है, ये आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ इसके बेयर सेल यूनिट में। अगर आप बेयर सेल यूनिट भी लेना चाहें तो भी बिल्डर के साथ बैठ सकते हैं, वो क्या डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते हैं वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल ये बेयर सेल यूनिट किस टाइप का है ये आप देख सकते हैं, इसे सबसे बड़ा बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, चौथा बेडरूम, चारों बेडरूम। ये इसका लिविंग डाइनिंग है, ये इसका वॉशरूम, इस तरह बालकनी, फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख रहे हैं लेबर लगे हुए हैं, डे नाइट काम चल रहा है इसका। कल्पतरु मैग्नस व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत है, हायर फ्लोर से थोड़े से आप हायर जाते हैं 4 से 5 फ्लोर के ऊपर आपको सी व्यू, सी लिंक व्यू वगैरह सारा इस बिल्डिंग से ही दिखता है। फ्रेश हवा, हवे का फोर्स, उजास बहुत बढ़िया आपको यहाँ से मिल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ, बिल्डिंग बनने के बाद कैसा रेडी होगा, कैसा दिखेगा, ये मैं मॉडल दिखाता हूँ। बिल्डिंग बाहर से एलिवेशन दिखाता हूँ कितना बन चुका है, उसके बाद फिर डिटेल प्राइसिंग साइजिंग बताऊंगा। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदीवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं, और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है, और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे, तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें, और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों मॉडल बता रहा हूँ कैसे फ्लैट बनेगा और प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसे क्या इनका शो आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ये आप बांद्रा के हॉलमार्क रोड पे हैं, और इस रोड से यहाँ पे 3 टावर बन रहा है, 26 स्टोरी एंड 30 स्टोरी के 2 विंग्स बन रहे हैं। ये 26 माले का है, ये 30 माले का है, 2.25 एकड़ का पूरा इसका लैंड एरिया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको सारी एमिनिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, टर्फ वगैरह सब कुछ मिल रहा है। बिल्डिंग का एलिवेशन, कलर वगैरह इससे मिलता जुलता ही सब आएगा, ये आप देख सकते हैं। और ये चेतना कॉलेज के का जो रोड है बैक साइड में, वैसे तो यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आपको 2 से 3 मिनट में आप रीच कर जाएंगे। किसी में एक आपको अलग से 26 स्टोरी कार पार्किंग टावर भी
इसी में दे रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ के इसका कार पार्किंग टावर है। अभी मैं आपको बाहर से एलिवेशन दिखाता हूँ कि बिल्डिंग कितना बन गया है। अभी मैं खड़ा हूँ इसके मेन हॉलमार्क रोड पे, ये आप एलिवेशन देख सकते हैं, 30 माले का एलिवेशन इसका रेडी है, 26 माले का, और 30 माले का एलिवेशन इसका जो है वो बैक साइड में है। ये मेन रोड है, कनेक्टिविटी और यहाँ का और इसके आसपास। अब आगे इसका डिटेल, प्राइजिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या फ्लैट अवेलेबल है, ये सारा कुछ कनेक्टिविटी, एमिनिटीज वगैरह समझते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwar. अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है कल्पतरू मैग्निस का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है कल्पतरू डेवलपर का। प्रोजेक्ट का नाम कल्पतरू मैग्निस है। लोकेशन इसका गुरु नानक हॉस्पिटल गांधीनगर बेंड्रा ईस्ट में, बेंड्रा कुला कॉम्प्लेक्स जो पूरा एरिया है वही बाजू में ही, बगल में ही बना रहे हैं। कॉर्पोरेट का जो हेड माना जाता है पूरे इंडिया में बड़े बड़े कंपनीज का, उसी लोकेशन में ये डेवलप कर रहे हैं। 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है। प्रीवियस इनके कुछ प्रोजेक्ट, वैसे तो कल्पतरू के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। कल्पतरू स्पार्कल, कल्पतरू रेडियंस, कल्पतरू क्रिस्ट, कल्पतरू स्टेट, ऐसा इन्होंने कई काम किए हुए हैं जिसमें अपने आप में ही इनकी अलग ही पहचान है, कल्पतरू रॉयल। अब चलते हैं इस प्रोजेक्ट में। 2.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, यानी 2.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। रीडेवलपमेंट लैंड है और एमिनिटीज जो इसमें दिया हुआ है, इसमें 1 से 1.5 एकड़ में पूरा एमिनिटीज दिया हुआ है और बाकी 0.75 एकड़ में ही बिल्डिंग बनाया हुआ है। नीचे का ओपन स्पेस इन्होंने बहुत खूबसूरत दिया हुआ है, यानी कि मोटा मोटी आप समझे कि 25% में कंस्ट्रक्शन है और 75% में ओपन एरिया दिया हुआ है। इसमें 3 टावर बना रहे हैं ये, जिसमें ए विंग, बी विंग और सी विंग। 33 माले का 2 टावर है, 26 माले का 1 टावर है। लगभग 80% इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी इसमें खरीदेंगे तो 80% आपको पेमेंट देना है। किसी किसी टावर में 4 फ्लैट है और किसी किसी टावर में 5 फ्लैट है। 3 और 5 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा 26 माले वाली बिल्डिंग में, और 30 माले वाली बिल्डिंग में 2-2 स्टेयरकेस सारे टावर में रहेगा। 340 फ्लैट का पूरा कॉम्प्लेक्स है, 340 फ्लैट्स इसमें पूरे में हैं। सीलिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 फुट का रहेगा और रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। रेरा का मैं आपको डिटेल, वैसे तो मैं रेरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें ये मास्टर प्लान, ये फ्लैट प्लान, ये फ्लोर प्लान और ये इसका APF नंबर है प्रोजेक्ट फंडिंग का, ये इसका रेरा है, ये इसका CC है, ये इसका 7/12 उतारा है। ये सब मैं आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं जो रेरा से ही डाउनलोडेड है। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके खुद से देखना चाहते हैं तो इसका मैं महारेरा नंबर आपको दे देता हूँ, P518-00004029। ये इसका महारेरा नंबर है। रेरा में पोजीशन June 2025 है। बिल्डर भी सेम आपको June 2025 में ही हैंडओवर करेंगे। सारे एमिनिटीज इसके ग्राउंड फ्लोर पे है। 3 लेवल इसमें बेसमेंट रहेगा प्लस 26 लेवल, यानी कि 26 माले का अलग से आपको रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा जो ऑटोमेटिकली जिसमें गाड़ियां पार्क होगी। CC पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है। व्यू की बात करूं, यहां से व्यू बहुत अट्रैक्शन है। ईस्ट में आपको एमिनिटीज एंड ओपन व्यू है, सिटी व्यू है। वेस्ट में आपको सी यानी समंदर और सी लिंक आपको सीधा सीधा दिखेगा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दिखेगा। नॉर्थ में आपको एयरपोर्ट व्यू है और साउथ में आपको एमिनिटीज एंड ओपन सिटी व्यू है। और पूरे हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं इस टावर में ज्यादातर। सारे बैंकों से आपका लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक में आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, जो भी जैसे भी आपका बिजनेस हो। यहाँ की जो आसपास का एनवायरनमेंट में स्कूल, कॉलेज सारे ब्रांडेड यहाँ पे अवेलेबल है। बेंड्रा के प्राइम कनेक्टिविटी पे ये बना रहे हैं। BKC तो यहाँ से बिल्कुल पास में है, हार्डली 4 से 5 मिनट का रास्ता है। बैंडस्टैंड यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है बैंडस्टैंड के लिए। और इसमें जो फ्लैट बना रहे हैं सब लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 4.5 BHK भी इसमें बना रहे हैं ये, जिसकी रेंटल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 4% का रेंटल रिटर्न है। इस लोकेशन में रेंटल का डिमांड बहुत है, यानी कि लमसम
सम अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 20 लाख रुपए का रेंट एवरी ईयर आएगा वहाँ पे। अब इसके एमिनिटीज में आते हैं, स्विमिंग पूल विद डेक, किड्स पूल, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, जुम्बा एरोबिक्स रूम, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, यानी कि खूबसूरत लॉबी बनाने वाले हैं, फिटनेस सेंटर इसका आएगा जो वो, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, रेस्ट रूम, ट्री कोर्ट यार्ड, सर्विस काउंटर, ओपन पार्टी एरिया, चेंजिंग रूम, लैंडस्केप लॉन, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, सेलेस्टियल टर्फ, इंडोर गेम, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, गेस्ट रूम, सिट आउट एरिया, क्रीच प्लांटेशन, चिटचैट काउंटर, ये सारा यहाँ पे एमिनिटीज आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं, खरीदने का जब आपका विचार बनता है, तो पहला एक्शन मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देख के एक बार कॉल करते हैं ना, तो हमारा एक ही सेल्स पर्सन आपका पूरा काम करवाते हैं। A to Z प्रॉपर्टी सर्वे करवाना हो, परचेस करवाना हो, दिखाना हो, जो भी सब कुछ करवाना हो सब करवा के आपको घर तक पहुंचा के देते हैं। इवन हमने ऐसे एक्सपर्ट्स सेल्स पर्सन है हमारे कि जब तक उनका घर का पोजीशन नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं, और ज्यादा लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं, एक बार अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, एक बार आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे आप डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आपके जो डेटा है खुद काम नहीं करते हैं, खुद की उनकी टीम जो है वो ना के बराबर है, आपके डेटा को वो ब्रोकर्स के साथ बेचते हैं, शेयर करते हैं, जिससे एक साथ में हजारों ब्रोकर्स, 100-200 ब्रोकर्स के साथ वो डेटा आपका बिक जाता है, और फिर हजारों ब्रोकर्स के आपके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों कस्टमर अभी तक फोन कर चुके हैं कि विकास जी हमने उस पोर्टल पे डाल दिया था, वहां से पता नहीं कितने सारे लोगों का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से फोन आ रहा है, क्या करें। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जाने में एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा एक आदमी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपका A to Z पूरा काम करवा के देंगे। 2 से 5 मिनट, 7 मिनट के अंदर आप MIG क्रिकेट क्लब, पंडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, जियो वर्ल्ड, चेतना कॉलेज, माउंट लिटेरा स्कूल, महात्मा गांधी विद्या मंदिर, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, वेजिटेबल मार्केट, अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, ये सब आप रीच कर जाते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पांडा वर्ली, सी लिंक, हाई लाइफ मॉल, लिंक स्क्वायर मॉल, लीलावती हॉस्पिटल, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जिनको शॉर्ट फॉर्म में NMCC कहते हैं, और यहाँ से 10 से 15 मिनट में आप दोनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक रीच कर जाते हैं। और अभी मैं प्राइजिंग पे आ रहा हूँ। प्राइजिंग पे आने से पहले दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। हम लोग हमेशा जो मेरे चैनल के थ्रू जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट में हो चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट में हो, हमने हमेशा 10-10, 20-20 लाख रुपए कम प्राइस में उनको प्रॉपर्टी दिलवाया है। इसके पीछे कुछ वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है ना कि कितना भी आप बड़े बजट में हो, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, सारे प्रोजेक्ट में क्या बॉटम प्राइस है आपको पता नहीं होता है दोस्तों। और हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एक डेवलपर के मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहा होता है, हर एक प्रोजेक्ट से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम साल का आपको 200-300 फ्लैट बेचेंगे, आपके साथ 400-500-600 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, और इसी बेस पे हमारे चैनल के थ्रू जो भी कस्टमर आ रहे हैं उसमें आप प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। पर स्क्वायर फुट पे 1000-2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे हम लोग डाउन करके लेते हैं प्राइस। यही एक वजह है होलसेल में जो हम लोग 500-600 करोड़ के डील में जो प्राइस हम उठाते हैं डेवलपर से, सेम प्राइस हम अपने चैनल के द्वारा आए हुए कस्टमर को प्रोवाइड करवा देते हैं। यही एक वजह है जिसके वजह से हम कस्टमर को सस्ता दिला पाते हैं। हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। अब 100-150 लोगों की टीम किसी बिल्डर के लिए काम करते हैं ना, तो हमारे लिए 500-600 करोड़ का टर्नओवर करवाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाता है दोस्तों। और आप जो होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं ना, वो होर्डिंग बोर्डिंग में जो प्राइस लिखी रहती है आपको बॉटम प्राइस बताया नहीं जाता। आप जाते हैं डील करने के लिए, गलत प्राइस ऑफर कर जाते हैं थोड़े बहुत अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, बट आपको बॉटम प्राइस मालूम ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का क्या है। मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूँ कि दो लोगों को 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हुए। दोस्तों क्या है ना, ये प्रॉपर्टी का मामला है, यहाँ पे 200-500 का खेल नहीं होता। यहाँ सीधा थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं हो ना, तो आपका 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए यूं ही एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आपको अगर नहीं जानकारी है तो आपके किसी आदमी को लेके जाएं, वरना अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें। हम लोग जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोर बेस पूरी प्राइसिंग हमें पता होता है। काफी सारे कस्टमर को मैंने देखा है कि ये सब समझने के बाद ना, मैं प्राइसिंग की बात तो कर
कर दिया, लेकिन काफी सारे कस्टमर डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास, वो ना जाएं आप, क्योंकि डेवलपर के पास जब डायरेक्ट जाते हैं तो डेवलपर का कहना रहता है कि ये हमारे पास टैग है, आप इसमें कुछ भी ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट, चॉइस फ्लैट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें, और फर्स्ट टाइम जब आप डेवलपर के साइट पर जा रहे हैं, सेल्स ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारी टीम के साथ जाएं, हमारे सेल्स टीम के साथ जाएं, तो ही हम आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, प्राइसिंग में नेगोशिएट करवा पाएंगे, सारा काम हमारी टीम आपके लिए कर पाएगी दोस्तों। अब ये सब चीजें समझने के बाद ना मैं आता हूँ प्राइसिंग पे। अभी जो डेवलपर ने प्राइसिंग रखा है मार्केट में, वो मैं प्राइस आपको अभी कोट कर रहा हूँ। एक्चुअल प्राइस क्या होगा, हमारे होलसेल के बेस पे क्या प्राइस हम करवा पाएंगे, वो उसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारी सेल्स टीम आपको उसमें पूरी हेल्प करेगी। अब आता हूँ इसका क्या क्या बना रहे हैं, इसमें 2 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK और 4.5 BHK, यानी कि 5 BHK भी आप बोल सकते हैं, ये 4-5 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अभी जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ना, ये एक डेवलपर का आस्किंग प्राइस है। बॉटम प्राइस हमारे होलसेल के बेस पे, हम लोग जो होलसेल के प्राइस में बेचते हैं, इसका क्या है, अभी मैं यूट्यूब पे अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो अभी मैं बिल्डर की आस्किंग प्राइस बता रहा हूँ। वो प्राइस पे कितना होगा, प्राइस नेगोशिएट कितना होगा, क्या होगा, उसके लिए आप ऊपर दिए नंबर पे फोन करें। और फिलहाल डेवलपर का जो मार्केट प्राइस है वो मैं बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। 2 BHK में एक कार पार्किंग अटैच्ड आपको दिया जा रहा है, कार पार्किंग की अलग से प्राइस नहीं आएगी। 2 BHK विद कार पार्किंग, इसमें कार्पेट एरिया है 781, 914, 925, 978, 1000 स्क्वायर फुट का, यानी कि 781, 914, 925, 978 और 1000 स्क्वायर फुट का इसमें 2 BHK बना रहे हैं। 2 BHK विद 1 कार पार्किंग, इसका फ्लैट कॉस्ट 3.67 करोड़ से लेके 5.20 करोड़ के बीच में है, यानी 3.67 CR to 5.20 CR। अब आते हैं 3 BHK में, 3 BHK में डैश 2 कार पार्किंग आएगा फ्लैट के साथ में। कार्पेट एरिया इसकी 1150, 1121, 1197, 1321, 1374, यानी कि 1121, 1197, 1321, 1374, ऐसा 5-6 साइज में इसमें 3 BHK ये बना रहे हैं। 3 BHK विद 2 कार पार्किंग, 3 BHK में 2 कार पार्किंग अटैच्ड आएगा, उसके प्राइसिंग आपको अलग से नहीं लगेगा। इसका जो फ्लैट कॉस्ट आपको आएगा 5.40 करोड़ से लेके 7.14 करोड़ के बीच में, अलग अलग साइज है उसके, वैसे प्राइसिंग आएगा 5.40 CR to 7.14 CR। अब आते हैं 3.5 BHK में, इसमें भी 2 कार पार्किंग आपको अटैच्ड मिलेगा और इसकी साइज 1720 स्क्वायर फुट का है, यानी 1720 स्क्वायर फुट का है, और इसका फ्लैट कॉस्ट 8.8 CR to 8.94 CR, यानी कि 8.08 करोड़ से लेके 8.94 करोड़ के बीच में इसकी प्राइसिंग आएगा। अब आते हैं 4 BHK में, 4 BHK विद 3 कार पार्किंग, 4 BHK में 3 कार पार्किंग आपको मिलेगा। इसकी जो कारपेट एरिया है वो है 1657 and 1706, 1657 और 1706 स्क्वायर फुट का 4 BHK आपको यहाँ पे बन के मिल रहा है। इसकी प्राइसिंग 7.79 करोड़ से लेके 8.87 करोड़, यानी कि 7.79 CR to 8.87 CR। अब आते हैं 4.5 BHK, 4.5 BHK में भी आपको इंक्लूडेड 3 कार पार्किंग अटैच्ड आएगा, और जिसकी कारपेट एरिया है 1800 and 1945, 1800 स्क्वायर फुट और 1945 स्क्वायर फुट का, 2 साइज में 4.5 BHK बना रहे हैं ये, और इसका फ्लैट कॉस्ट 8.46 CR to 10.11 CR, यानी कि 8.46 करोड़ से लेके 10.11 करोड़ के बीच में आएगा। और ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है, बिल्डर का एक आस्किंग प्राइस, एक आइडिया दिया है मैंने, और इसके बाद फिर आपको अलग से पार्किंग लेना है तो 10-15 लाख का अलग से पार्किंग अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी GST वगैरह आपको अलग से आएगा। दोस्तों आज के वीडियो में जो मैंने दिखाया है कल्पतरु मैग्नस के बारे में, वो डिटेल इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसका बेनिफिट ये होगा कि घर बैठे सारे प्रॉपर्टी का डिटेल आपको मिलता रहेगा, आपका ट्रैवलिंग करना, गाड़ी, डीजल, पेट्रोल, ट्रैफिक, एनर्जी, ये सब आपका सेव हो जाएगा घर बैठे। हर दिन का एक प्रॉपर्टी का वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे पूरे मुंबई से, और डिस्काउंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आता है इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, जिसमें बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी है, किसी किसी को अर्जेंट सेल करना होता है, उनको 20-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख डिस्काउंट में भी सेल करते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिसको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है, और जिनको तुरंत अर्जेंट पैसा चाहिए रहता है उनको पैसा मिल जाता है। इस तरह का प्रॉपर्टी भी मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी तो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आपको मिलता रहेगा। ऐसे मैंने हजारों लोगों को बेनिफिट करवाया है प्राइजिंग को लेके, तो ये बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रॉपर्टी डील करने में दोस्तों। साथ ही साथ कभी आपको हमारे स्पॉट पे आना हो, वर्किंग स्टेशन पे आना हो, तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है।
और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड मैंने दो वीडियो का लिंक दिया है ऊपर और नीचे, इन दोनों का भी आप क्लिक करें और घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन देखें, समझें। फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए और एवरीथिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डील कराने के लिए स्टार्ट टू एंड तक। जब तक आपको पोजीशन ना हो जाए तब तक हमारी टीम आपके साथ में रहेगी। दोस्तों, मिलता हूँ नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।